साथियों नमस्कार, स्किल साइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जैन से जैन बैलेंस ट्रांसफ़र करना जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके काम की हो सकती है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि जैन का बैलेंस जैन सिम में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को अभी आल पर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मैसेज में जाएंगे, उसके लिए मैसेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर न्यू मैसेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप 702702 इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहां पर कैपिटल लेटर में BT इंटर करेंगे। उसके बाद आप स्पेस देंगे यहां से इस तरह से। उसके बाद आप यहां पर मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे जिस मोबाइल नंबर पर आपको मनी ट्रांसफ़र करने का है। उसके बाद आप फिर स्पेस देंगे। उसके बाद आप जितना अमाउंट सेंड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। आप एक बार में कम से कम 10 रियाल सेंड कर सकते हैं और अधिक से अधिक 50 रियाल सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 रियाल इंटर करेंगे। उसके बाद आप सेंड पर क्लिक करेंगे। हमारा मैसेज सेंड हो गया। यहाँ से मनी सेंड हो गया लेकिन अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस बाकी है। मनी सेंड होने के बाद जिसके पास मनी सेंड हुआ है उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद रिसीवर को टेक्स्ट मैसेज में जाकर यहाँ पर ID कैपिटल लेटर में लिखना होगा। उसके बाद स्पेस देकर अपना ID नंबर को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर 702702 इंटर करके सेंड करना होगा। इसके बाद मनी रिसीव हो जाएगा। इस तरह आप जैन टू जैन मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म और कंडीशन भी है। जैन टू जैन मनी ट्रांसफ़र करने के लिए दोनों सिम प्रीपेड नंबर होना चाहिए। एक बार में अधिक से अधिक 50 रियाल सेंड कर सकते हैं तथा एक बार में कम से कम आप 10 रियाल सेंड कर सकते हैं। जैन की तरफ से मिला हुआ बोनस का पैसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा एनी हेल्प चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।